दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इन्फोमेट एजुकेशन में। सो गाइस मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ दैट कैन मेक यू रिच, या फिर दुनिया की ऐसी टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ जिसमें बहुत सारे मिलियनर्स एंड बिलियनर्स भी बने हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ आपको जानने को और समझने को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री गाइज आती है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस मतलब आपका जो पैसा है उसको, उससे आसपास जो भी इंडस्ट्री पनप सकती है उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि हेज फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, फिनटेक फाउंडर्स हो गए या फिर फिनटेक कंपनीज भी हो गई तो काफ़ी अच्छा पैसा बना पाती है, मनी मैनेजर्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर इन्वेस्टर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो इफ़ यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस अराउंड दिस। ओके, सो काफ़ी अच्छे पैसे इसमें बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, जो कि है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियस सी बात, देखो कोई भी आप अगर टेक रिवोल्यूशन करते हो, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो एडटेक हो, चाहे वो और भी किसी चीज़ को रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई आप टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हो, कोई सर्विस देते हो या उस काम को ईजी कर देते हो तो काफ़ी अच्छा पैसा आज के टाइम में बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स हो गए, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स हो गए, सोशल मीडिया वाले हो गए, जो भी सोशल मीडिया डिफरेंट क्रिएट किया हुआ है आज के टाइम में। देखो आप इस वीडियो को भी तो आप एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर तो देख रहे हो, काफ़ी बड़ा बिजनेस है इसका भी, यूट्यूब का भी, ठीक है। ई कॉमर्स टाइकून्स हो गए बड़े बड़े ना, क्रिप्टो करेंसी पायनियर्स हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं टेक्नोलॉजी में। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत है, आप एक्सप्लोर करोगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, जो कि तीसरी इंडस्ट्री है रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। ह्यूमन है, इंसान है, इंसान को खाना पानी कपड़े और घर तो चाहिए होता है, तो ये घर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं रियल इस्टेट में। इसमें रियल इस्टेट में कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हो जाता है। तो इसमें क्या क्या है, रियल इस्टेट डेवलपर्स हो गए जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बना के सेल करते हैं वगैरह वगैरह, ब्रोकर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइन करने वाले, तो ये सारे काफ़ी अच्छा पैसा अमाउंट बनाते हैं करोड़ों में और कई करोड़ों में या लाखों में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, जो कि अगली इंडस्ट्री आती है हमारी वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक, देखो इंसान है ना तो उसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी फिजिकल या मेंटल, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा अगर आप बिजनेस क्रिएट कर पाते हो तो काफ़ी अच्छी आप अर्निंग कर पाओगे, करोड़पति भी बन सकते हो, मिलियनर एंड बिलियनर भी बन सकते हो, डिपेंड्स व्हाट्स योर आइडियाज़। ओके, सो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डॉक्टर्स हो गए काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हैं, डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, बायोटेक एंटरप्रेन्योर्स हो गए, मेडिकल डिवाइस जो भी बनाती हैं कंपनीज अलग अलग वो सेल करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाती हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी के सारी इंडस्ट्रीज हैं गाइस जो कि आपको काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करा सकती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जिसमें आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग ही है जो कि बहुत ही कोर एक बिजनेस हो जाता है या फिर कोर चीज़ हो जाती है जो कि पूरी दुनिया में एक देश को भी डेवलप करने में मदद करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में सारी चीज़ें आती है ऑलमोस्ट, जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो, अगर ये फ़ोन आपके हाथ में है या फिर टीवी से आप इस वीडियो को देख रहे हो, टैबलेट पे देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग तो हुई हैं, है ना, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फैक्ट्री ओनर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इन्वेंटर्स हो गए, है ना, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हो गए, तो ये सब के सब काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हैं। कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दिया और उसको आपने पेटेंट करा लिया, उसकी रॉयल्टीज़ वगैरह कर ली, है ना, तो आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग आती रहती है। तो गाइस आशा करता हूँ ये सारी की सारी इंडस्ट्री के बारे में आपको जान के काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आप इन्हीं इंडस्ट्री के आसपास अपना बिजनेस या फिर कुछ भी क्रिएट करते हो तो काफ़ी जल्दी आप रिच बन सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।